नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिवाली के त्योहार में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही एक जगह ऐसी है जहां दिवाली मन चुकी है। चौंकिए मत, ये खबर एकदम सच है। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सेमरा गांव के लोगों ने दिवाली के त्योहार को 7 दिन पहले ही मना लिया है। बता दें कि यहाँ दिवाली के त्योहार को हफ्ते भर पहले मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। बेशक इस नए दौर में लोग पुरानी परंपराओं को त्याग कर नए युग के हिसाब से जीवन जी रहे हों, लेकिन सेमरा गांव में इस परंपरा को अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया जा रहा है। खास बात तो यह है कि इस तरह दिवाली के त्योहार को मनाना अब इस गांव की पहचान बन चुकी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो अभी मैं 30 साल बाद यहाँ आई, तो इस साल का आज मैं देखूंगी कि मेरे को बहुत उत्साह था कि मैं यानी शादी के बाद से बाहर थी और अभी इस साल आई हूँ, तो मुझे देखने की बहुत इच्छा थी और सामने बहुत ही बढ़िया होता है, यहाँ पे सबसे डिफरेंट है ये और इसका बहुत इंतज़ार करते क्योंकि 8 दिन पहले होता है। सिटी का त्यौहार खाली दिवाली पटाखे पूजा ये रहता है, यहाँ पर वैरायटी देखने मिलती, गांव का जो सब कुछ होता है वो यहाँ देखने को मिलता है। गौरा पूजा है, नाचा है, ये सब हमें शहरों में देखने नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता। जी हाँ, सेमरा गांव में एक हफ्ते पहले गुरुवार को मनाई गई दिवाली के इस मौके पर गांव के घर घर रोशनी से जगमगा रहे थे, तो वहीं माँ लक्ष्मी के पूजा पाठ के वक्त धूप बत्ती की खुशबू गली गली में सुमार थी। पूजा पाठ करने के बाद बच्चे गली गली में फुलझड़ियां जलाते हुए नजर आए, तो वहीं पटाखों की गूंज से गांव की गलियां धमक उठी। भले ही आज के जमाने के लोग इस परंपरा पर यकीन न करें, लेकिन इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा करने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। यही नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को पढ़ा लिखा युवा वर्ग इसे अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़ता हुआ नजर आता है और इस परंपरा को आगे सजोए रखने के लिए यकीन दिलाता है। यहाँ पे मैं पहले सुना कि इसको यहाँ पे त्योहार एक हफ्ते पहले मनाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार जाया जाए कैसा है यहाँ पे, कैसा माहौल रहता है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ तो दिवाली नहीं, पूरा दिवाली की तरह मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस माहौल में अभी घूमा हूँ, पूरे गांव को घूम लिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक हफ्ता मनाथन एकर कहानी सियान मन बताते तेकर द्वारा मैं सुनता हूँ कि ये गाँव में परम पूज्य हमारे देवता है सिरदार देव, ते है कबू कबू हमारे सियान मन ला कुछ सपना उपना देख बताए रही ने कि मोर मान सम्मान ला बढ़िया करूँ, मोर पूजा पहली करूँ, त्यौहार आगे मनाऊँ, ते तोर गांव में कोई अनहोनी घटना नहीं होने दे या कुछ गड़बड़ आपत्ति वाला नहीं आन दे, ऐसे कुछ बोले रही से सपना में। तेला ये गांव के सियान मन ला बताइन भाई पुजारी मन है, तेकर हिसाब से परंपरागत ये बात मोर दादा ओकर पिताजी निकलो नहीं जाने अधिक दिन ले त्यौहार मना चले आता। बता दें कि इस परंपरा पर लोगों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पहले उनके गांव में कोई बुजुर्ग आए और यहीं बस गए, उनका नाम सिरदार था। गांव वालों को उनसे बहुत आस्था थी और उन्हें गांव का देवता के रूप में मानकर पूजा की गई। मान्यता के अनुसार उनके कहने पर 4 प्रमुख त्योहारों को गांव वालों ने निर्धारित तिथि से 1 सप्ताह पहले मनाने की परंपरा शुरू कर दी। तब से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है, जिसके चलते आज भी गांव के लोग देवता को खुश करने के लिए हर त्योहार को हफ्ते भर पहले ही मना लेते हैं। इस परंपरा पर अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खबरों को देखने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।